नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लॉकडाउन में गरीबों में भोजन वितरण का कार्य लगातार जारी है। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल 23 मार्च से ही लगातार गरीबों में भोजन वितरण करने में जुटा हुआ है। नगर क्षेत्र में शनिवार को जरूरतमंदों के बीच भारत रक्षा दल के सदस्यों ने लंच पैकेट का वितरण किया। इस दौरान भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष ने बताया कि वे नगर क्षेत्र में प्रतिदिन 700 लंच पैकेटों का वितरण कर रहे हैं। अभी तक यह पूरा कार्य जनता के ही सहयोग से चल रहा है, इसमें प्रशासन की मदद नहीं ली गई है। जी, लंच तो हम लोग डेली वितरित कर रहे हैं। आज ये हम लोग का 10वां दिन है और डेली हम लोग करीब 700 लंच पैकेट जो है वितरित कर रहे हैं इसमें पूरे नगर में। मंदिर जी, ये बताइए, एक इतनी बड़ी महामारी में एक बहुत ही अच्छा काम कार्य आप लोग कर रहे हैं, कैसे ये व्यवस्था हो रही है, कैसे ये आप लोग बांट रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि इसमें भी तो इन पैसा वगैरह खर्च हो रहा है, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल, बहुत पैसा लग रहा है। हम लोग इस उससे चल रहे हैं 13 तुझको अर्पण। पब्लिक जो हमको दे रही है, हम पब्लिक को उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, इसलिए अभी जनता के सहयोग से सब चल रहा है। हम लोग प्रशासन से एक भी पैसे का सहयोग नहीं ले रहे हैं, सरकारी पैसे का हम लोग सहयोग नहीं ले रहे हैं। जनता हमको भरपूर सहयोग कर रही है। डेली कोई आटा, वो गेहूँ, वो क्या नाम है, चावल, दाल, ये डेली हमारे कार्यालय पे लोग पहुंचा दे रहे हैं। उसी से ये चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। फिलहाल अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को राहत सामग्री और लंच पैकेट अब तक दिया है? राहत सामग्री तो करीब हम लोगों ने करीब मैं समझता हूँ 70-80 परिवारों में हम लोगों ने पहुँचाया है, और लंच पैकेट तो हमारा डेली 600-700 जाता है दोनों टाइम। क्या ये लोग कॉल करके आपको स्पेशली बोलते हैं कि आप कैसे पता चल जाता है कि आपको लंच पैकेट? पब्लिक के बीच में हम लोग का नंबर है, पब्लिक हम लोगों को फ़ोन करती है। जिसके अगल बगल कोई ऐसा रहता है तो डेली फ़ोन करता है कि भैया ये परिवार खाने बिना रह रहा है, तो उसका हम लोग नंबर नोट करते हैं, उससे संपर्क करते हैं, जाके उसकी जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बाद उसको खाना पहुँचाते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।